नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल अमरीश बालियान पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पूरे देश के साथ उत्तर प्रदेश में भी कोरोना को लेकर हालात बिगड़ रहे हैं। आलम यह है कि जितनी बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में उनके लिए ना बेड की व्यवस्था हो पा रही है और ना ही चिकित्सा की सही व्यवस्था उन्हें मिल पा रही है। अपने मरीजों के इलाज की व्यवस्था कराने में जुटे तीमारदारों के सब्र का पैमाना अब छलकने लगा है, जिसकी एक बानगी कल मुजफ्फरनगर में देखने के लिए मिली। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोगों को, जिनमें कस्बा बुढ़ाना और जनपद के गांव सोरम के कुछ कोरोना मरीजों को जब कहीं भी किसी अस्पताल में बेड की व्यवस्था नहीं मिली तो उनके परिजन उन्हें लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक उमेश मलिक के आवास पर ले आए। परिजनों ने कोरोना मरीजों को उमेश मलिक के आवास परिसर में ही लिटा दिया। विधायक काफ़ी देर तक अपने मकान की छत से ही लोगों को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब काफ़ी देर बाद भी लोग नहीं माने तो विधायक को उनके बीच आना पड़ा, जिसके बाद विधायक ने जिले स्तर के अधिकारियों से वार्ता कर जो गंभीर कोरोना मरीज थे उन्हें बेगरजपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। साथ ही जिनकी स्थिति कम गंभीर थी उन्हें शाहपुर और बुढ़ाना के जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें दाखिल कराने की व्यवस्था कराई गई। विधायक उमेश मलिक ने बताया कि जिन मरीजों को उनके द्वारा बेगरजपुर मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया था उनमें से एक महिला की, जिसका नाम नीतू बताया जा रहा है, आज सुबह 5 बजे मौत हो गई। विधायक उमेश मलिक बेगरजपुर मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्थाओं से काफ़ी दुखी दिखाई दिए। उन्होंने मुझसे बातचीत में उन्होंने बताया कि उनके द्वारा नीतू नामक जिस महिला को दाखिल कराया गया था उसके परिजनों को दाखिल कराने के बाद से ही अस्पताल की ओर से कोई अपडेट नहीं दी, ना ही महिला मरीज की स्थिति के बारे में उन्हें अवगत कराया गया। आज सुबह अस्पताल प्रशासन की ओर से उन्हें बताया गया कि महिला मरीज की मृत्यु हो गई है। विधायक उमेश मलिक ने कहा कि वह इस पूरे मामले को सरकार के समक्ष उठाएंगे। वह लगातार जनपद में कोरोना से बिगड़ रहे हालात के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश शासन को लगातार अवगत करा रहे। विधायक उमेश मलिक ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उन्हें भरपूर प्यार दिया है और आज संकट की स्थिति में अगर लोग उनसे सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है और वे अपने क्षेत्र के लोगों के लिए 24 घंटे